अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और मेरा कैटल फार्म है जिसका नाम ANB कैटल फार्म है, अंगियानी एंड बुनेरवाल कैटल फार्म। और ये कैटल फार्म है लांडी नंबर 1 पे और आर्मी लैंड में। हमारे पास कैटल फार्म है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं जानवरों की, जैसे कि ब्राह्मण क्रॉस हो गया, चोलिस्तानी हो गया, नुकरी हो गए, और इसी टाइप के बहुत सारे अलग अलग नस्लें हैं जो के पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम तकरीबन 2019 से कर रहे हैं, 5 साल हो गए इस काम को करते हुए। और ये काम सिर्फ तकरीबन, जहाँ तक के मैंने नोट किया है, ये काम शौक़ है तो काम है, और लोगों की कुर्बानी के लिए काम किया जाता है, क्योंकि मुझ जैसे कई शौकीन हैं जिनके पास जगह नहीं है और शौक़ ज़रूर है कुर्बानी करने का, तो उनके लिए जानवर पालना तो ये मेरा काम है और ये मेरा शौक़ है। और क्या कहते हैं, इनकी अगर आप ख़ुराक की बात की जाए तो इनकी ख़ुराक में क्या क्या दिया जाता है, तो अलग अलग तरीके की ख़ुराक होती है। और तो मेरी जो ख़ुराक है, मतलब जो जानवरों को दी जाती है, उसमें दलिया होता है और अट्टी होती है, बिस्किट्स होते हैं, और दाल, जितनी भी दालें हैं वो सारी स्मैश करके उनका एक अट्टी होती है। और आपका अल्लाह भला करे, इनके साथ साथ खल वग़ैरह हो गई, कुत्तर, भूसा, तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो होती हैं वो दलिया हो गया, और ये सारी चीज़ें जिससे जानवर बन सके, ठोस हो सके, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है, तो ताकि जानवर भी अपनी खूबसूरती में बाहर आए। मेरे पास एक जानवर था अपनी कुर्बानी का, था साहिवाल ब्राह्मण क्रॉस के अंदर, वो इस बार कुर्बानी का था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उससे कुर्बानी से कुछ टाइम पहले लंपी हो गया था, तो बस फिर उसी की ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रही थी और ट्रीटमेंट्स वगैरह की, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन एग्जामिन के अंदर अभी भी उसकी ट्रीटमेंट चली है लाइफ स्टॉक वालों की तरफ से, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस हवाले से, लेकिन जब इन्फॉर्म हुआ तो उनके साथ रजिस्टर करके तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे तो अपकमिंग ईयर वो हमारी कुर्बानी का जानवर है, और अल्लाह ताला बेशक उसमें बरकत करे। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको लाइफ स्टॉक वालों का भी, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों को उन चीज़ों से आगाह कर रहे हैं जो जिस चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है, मेडिसिन वगैरह के हिसाब से और हर हवाले से, तो आप यानी कि आपको उनसे रिजू करना चाहिए, क्योंकि आपको ख़ुद नॉलेज है नहीं इस हवाले से। थैंक यू।